हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज जो हमारे पास गाड़ी है उसमें कस्टमर के जो प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है कि जब भी ब्रेक पैडल लगा दबाते हैं तो ये लाइट डिम हो जाती है। देखो मैं फ्लैश लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, और साथ ही जो मीटर में जो रीडिंग है सारी, मतलब जहाँ पे नंबरिंग है वहाँ पे वो ऑन हो जाती है। यहाँ से मैं ब्रेक दबाया, ये देखो यहाँ से ब्रेक दबाया और यहाँ से ये ऑन हो गया, इसको ब्रेक को छोड़ा ऑफ हो गया। तो हमने डायग्नोस किया कि इसमें जो प्रॉब्लम है, इसकी जो पार्किंग ऑन होती है ब्रेक दबाए से, ये देखो देखो ब्रेक लगी है और साथ ही साथ इसकी पार्किंग है, इधर वाला बल्ब भी ख़राब है, पार्किंग है इसकी ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ करो ब्रेक छोड़ो। ये देखो तो जो प्रॉब्लम है, इसकी लाइट टूटी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसके बल्ब में जो एलिमेंट है वापस में चिपका हुआ है। मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ आपको। आपस में एलिमेंट है जो चिपका हुआ, तो इसकी जगह मैं लगाऊंगा दूसरा बल्ब। ये मेरे पास न्यू है, इसके एलिमेंट दोनों अलग अलग है, तो ये लगा दूंगा मैं। ये देखो दबाओ भाजी ब्रेक, ये देखो अब ब्रेक वाला बल्ब जला और जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाई तो ये देखो ब्रेक दबाया और ये वो मीटर की लाइट है वो डाउन ही रही, मतलब जो पार्किंग ऑन हो रही थी वो नहीं ऑन हो रही, जो प्रॉब्लम आ रही सॉल्व हुई। प्रॉब्लम थी हमारे बल्ब में, तो ऐसी प्रॉब्लम कई बार उन गाड़ियों में भी आ जाती है जिसमें पिकअप का इशू आता है ब्रेक का स्विच ख़राब होने से या ब्रेक लाइट जलने से। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।